फिश और बर्ड वाली प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। मैं आपको बहुत ही सिंपल एक चीज़ बताता हूँ, बस वो रूल लगाते जाना, आपका आंसर आता जाएगा। रूल ये है, जो हमने लास्ट में भी सीखा था, कि अगर आपके पास कोई भी, मान लो एक डेंसर मीडियम है, जैसे ये आपका एक डेंसर मीडियम है, ये आपका डेंसर मीडियम है जिसमें कॉइन पड़ा हुआ है, लेट अस सपोज कॉइन है, ठीक है, और आपका जो ऑब्जर्वर है वो कहाँ पर है, वो ऊपर है, ऑब्जर्वर ऊपर है, जैसे आप हवा से पानी के अंदर देख रहे हैं, तो ये कॉइन आपको कहाँ नज़र आएगा, ऊपर नज़र आएगा, तो ये आपको इसकी पोजीशन नज़र आएगी। अब ये जो इसकी रियल डेप्थ है वो अगर एक्स है, तो एपरेंट डेप्थ कितनी होगी, हमने किया था फॉर्मूला, म्यू क्या होता है, रियल डेप्थ डिवाइडेड बाय एपरेंट डेप्थ, तो एपरेंट डेप्थ की वैल्यू क्या होगी, रियल डेप्थ डिवाइडेड बाय म्यू, और मेरे इस केस में रियल डेप्थ कितनी है, एक्स डिवाइडेड बाय म्यू, तो मेरे को ये कॉइन कहाँ नज़र आएगा, एक्स बाई म्यू। तो जब भी आप हवा से पानी में देख रहे हैं और पानी के अंदर रियल डेप्थ की वैल्यू अगर एक्स है, तो कॉइन कहाँ नज़र आएगा आपको, एक्स बाई म्यू डिस्टेंस पे नज़र आएगा, सही है। लेकिन ये भी याद रहे, अब अगर फिश देख रही है, फिश देख रही है और किसे देख रही है, बर्ड को देख रही है, तो बर्ड का डिस्टेंस अगर वाई है, तो बर्ड उसको यहाँ नहीं नज़र आएगा, थोड़ा दूर नज़र आएगा, और वो डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, वाई इंटू म्यू। तो ये क्या मानी जाएगी, इसकी एपरेंट डेप्थ। ये शॉर्टकट है, जब भी आप पानी में देख रहे हैं तो रियल डेप्थ को म्यू से डिवाइड कर दें, और अगर आप पानी से हवा में देख रहे हैं तो अपने रियल डेप्थ को म्यू से मल्टीप्लाई कर दें। याद रहेगा ये रिजल्ट। इस रिजल्ट को अगर हम यहाँ पे लगाएं, तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन, अगर ये बर्ड की आई है, बर्ड की आई अगर इस डिस्टेंस को देखती है, जो कि कितनी दूरी पे है, एच, तो बर्ड की आई को ये डिस्टेंस कितना नज़र आता है, एच इंटू म्यू, एच डिवाइड बाई म्यू, कि एच, बर्ड को यहाँ तक देखना है हवा में, तो उसको क्या एच, एच क्यों, क्योंकि मीडियम चेंज हुआ ही नहीं भाई। जब मीडियम चेंज होगा तभी तो डिस्टेंस चेंज होगा, जब मीडियम ही चेंज नहीं हो रहा, तो आंसर एच, पहला आंसर। दूसरा, ये जो बर्ड है, अब वो ये फिश को देखना चाहती है, तो बर्ड की जो आई है उसको एच डिस्टेंस तो एज इट इज नज़र आएगा, पर क्योंकि ये डिस्टेंस पानी के अंदर डिस्टेंस है, तो क्योंकि वो हवा से देख रहा है, तो एच बाई टू को किससे डिवाइड करना पड़ेगा, म्यू से, तो इन दोनों के सम पे नज़र आएगी इसको फिश। क्या ये रूल भी क्लियर है, सीधा शॉर्टकट मारेंगे, कुछ नहीं करेंगे ऐसे, क्या रूल क्लियर है यहाँ तक। तो हवा में तो एच ही रहेगा, पानी वाले डिस्टेंस को म्यू से डिवाइड कर दिया। नेक्स्ट है, अगर ये सपोज मिरर है, मिरर का क्या रूल बताया था, जितनी दूर पे ऑब्जेक्ट है उतनी दूर पे इमेज है, तो मिरर को कहा गया कि बता तेरे को ये बर्ड की आई कितनी दूरी पे नज़र आती है। अगर मिरर देख पाता तो मिरर कहता है, देखो मैं तो पानी में हूँ और मैं एक ऐसी चीज़ को देख रहा हूँ जो हवा में है, तो मिरर अगर देख पाता तो उसको ये डिस्टेंस तो एच ही नज़र आता, क्योंकि यहाँ तक तो पानी है, मीडियम तो चेंज ही नहीं हुआ, तो एच का एच नज़र आएगा। लेकिन जो चीज़ हवा में चली गई उसको कैसे नज़र आएगी, म्यू इन टू एच। तो मिरर क्या कहता है कि मेरे को टोटल डिस्टेंस इस आई का क्या नज़र आता है, एच में क्या ऐड कर दें, म्यू इन टू एच। तो मिरर इमेज जो बनाता है इस आई की, वो कितने डिस्टेंस पे बनाता है, एच प्लस म्यू इन टू एच, क्योंकि जितनी दूरी पे वो ऑब्जेक्ट देख पा रहे हैं उतनी दूरी पे वो क्या बना रहा है, उसकी इमेज बना रहा है। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर सपोज करो ये फिश है, फिश इसकी इमेज को देखना चाहती है आई को, शीशे में, मिरर में, तो कितनी दूरी पे नज़र देख पाएगी, क्योंकि फिश के यहाँ भी पानी है, इमेज में भी पानी है, तो कुछ भी चेंज नहीं होगा, वो सिंपल आंसर बोलेगी एच बाई टू में इसे क्या कर दो, ऐड कर दो, और ये फिश और इमेज के बीच में डिस्टेंस आएगा। तो ये सारी प्रॉब्लम कब है, जब मीडियम्स क्या होते हैं, चेंज। क्या ये पॉइंट यहाँ तक क्लियर है। अब जैसे सपोज करो क्वेश्चन है कि सेम क्वेश्चन है जिसमें ये आई है, ये फिश है, अब मिरर से ये पूछा गया कि तो फिश की इमेज बना, मिरर क्या कहता है कि देखो यहाँ पे पानी है, यहाँ भी इमेज में पानी है, तो कोई मीडियम चेंज नहीं है, तो फिश कितनी दूरी पे बनेगी,
सेम डिस्टेंस h बाई टू, कोई डिस्टेंस चेंज नहीं है इसमें। तो अगर ऑब्जेक्ट h बाई टू पे है तो इमेज भी कहां पर है, h बाई टू। कोई डाउट इसमें, क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट है, अब इसके अंदर क्वेश्चन ये है कि अगर आपसे ये पूछें कि इस फिश, और फिश अपनी इमेज को देखना चाहती है, तो फिश अगर इमेज को देखना चाहती है तो कितने डिस्टेंस पे देख पाएगी, h बाई टू प्लस h बाई टू कितना हो गया h, क्योंकि पानी है, मीडियम चेंज ही नहीं हुआ। लेकिन अगर बर्ड से पूछें कि तू बता कि फिश की इमेज कहां पर है, तो बर्ड को h तो h ही नजर आएगा। अब यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस अगर कैलकुलेट करना है तो ये कितना है h, और ये कितना है h बाई टू, तो टोटल क्या आएगा 3 h बाई। अब यहां पे पानी पानी है तो बर्ड क्या कहेगा कि फिश की इमेज मेरे को नजर आ रही है, 3 h बाई टू को किससे डिवाइड करना पड़ेगा, म्यू से, क्योंकि पूरे पानी का डिस्टेंस 3 h बाई टू। तो जो भी इसका पानी का डिस्टेंस है यहां से यहां तक, उसको म्यू से क्या कर देना है, डिवाइड। तो समझ में आ रहा है कि फिश और बर्ड प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व होती हैं और क्या कॉन्सेप्ट है इसमें, कोई डाउट इसमें? इसी को मॉडिफाई कर देगा, कैसे मॉडिफाई करेगा, वो बर्ड को चला देगा इधर से फिश को चला देगा, जैसे आज किया अभी। तो फिर क्या करोगे, वही इसकी वेलोसिटी प्लस इसकी एपरेंट वेलोसिटी रिलेटिव वेलोसिटी, फिर वो कॉन्सेप्ट लगा लेना इसमें।